नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो से। तेजस्वी यादव जो है वो उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद में बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं। क्या है बड़ी खबर, करेंगे विस्तार से चर्चा, बने रहिए आप हमारे साथ। इसके साथ साथ मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में पप्पू यादव ने माना कि गुंडा और बवालियों का सबसे बड़ा यहां पर साम्राज्य उखड़ चुका है। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे, चिराग पासवान के पास अमित शाह का आया कॉल, कहा प्रतिष्ठा की बात है, चुनाव प्रचार प्रसार करने जरूर जाइए आप। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे, कैसे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने कहा कि हां मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है, इस बात को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके साथ आज की बड़ी खबर के अंदर बात करेंगे, कैसे जी हां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नोटों वाले बयान पर जी हां बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है। तो छोटी बड़ी सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव बड़े विकल्प हैं और तेजस्वी यादव के सत्ता में ना रहने के बाद में सरकार चला पाना बड़ा मुश्किल का टास्क है। इन सभी चीज़ों के बीच में तेजस्वी यादव अब अपनी सरकार बनाने की कवायद कर सकते हैं और ये खबरें क्यों हम आपको बता रहे हैं आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी 5 सेकेंड के अंदर, जी हाँ 5 सेकेंड के अंदर इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करना बिल्कुल फ्री है और अगर आप तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो पर 5000 लाइक तो कर ही दीजिएगा। दोस्तों तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं और ऐसे में वह अभी 2 सीट अगर वो और अपने पार्टी के खातों में ले जाते हैं तो उनके पास वो बड़ा बहुमत होगा जिसके बदौलत वह अपनी खुद की सरकार जो है वह बना सकेंगे। एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जीतन राम मांझी ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख करके दिल्ली के नाम को बदल करके इंद्रप्रस्थ करने के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से हमारी एक अपील है कि वह दिल्ली के नामों को बदल दें और दिल्ली के नाम को बदल करके इंद्रप्रस्थ रख दें। अगर दिल्ली के नामों को वह बदल देते हैं और इंद्रप्रस्थ रखते हैं तो एक बहुत बड़ी काम होगी, हमारी पुरानी विरासत जो है वो वापस आ सकेगी। दोस्तों जीतन राम मांझी ने यह बयान और यह पत्र उस वक्त लिखा है जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह मांग की गई है कि भगवान लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा जो है, फोटो जो है वो लगना चाहिए पैसों पर और पैसों पर अगर इनकी प्रतिमाएं लगती है तो फिर जो है वो अच्छा होगा। दोस्तों और ये बयान के बाद में बिहार में भी सियासत बिगुल को फूंक दिया गया है। सियासत करने वाले लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल का यह बयान बनिया समुदाय के वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए दिया गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि अब आज से छठ पूजा का शुरुआत हुआ है, छठ पूजा आज है और ऐसे में छठ पूजा करने वाली तमाम तिवैयों को पहले सबसे पहले हैप्पी छठ पूजा। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि इस बार आप पर छठी मैया की कृपा सदा ही बनी रहे, लेकिन इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके घर में भी छठ पूजा होता है तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपना विचार छठ पूजा से जुड़ी हुई वह तमाम विचार या फिर वह तमाम राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपका राय हमें अच्छा लगता है तो हम आपको इनाम स्वरूप भी बहुत कुछ जो तोहफे हैं वो भेजेंगे। तो ऐसे में छठ पूजा का महत्व क्या है आपके नज़रों में, इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और छठ पूजा के बारे में अगर आप सही तरीकों से डिफाइंड कर एक सही चीज़ लिखते हैं तो हम आपको जो है वो इस छठ पूजा के बाद में आपको तोहफे के रूप में बहुत कुछ भेजा जाएगा। तो एक बहुत बढ़िया, छठ पूजा का बिहार के लिए क्या महत्व है कमेंट बॉक्स में लिखें। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सवाल उठते नजर आए हैं। सवाल इस बात को लेकर के उठता हुआ नजर आया है कि संपूर्ण शराबबंदी कानून जो बिहार में लागू किया गया, आखिरकार इसके उलट में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लोग शराब को बिक्री कराते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की जेडीयू का यह मानना है कि बीजेपी के ही कुछ मंत्री और बीजेपी के ही कुछ ऐसे नेता जो हैं वो शराबों की बिक्री कराते हैं और सरकार
को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सरकारों को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, इसमें मुख्य तौर पर उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि सरकार को बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिश को ना कभी कामयाब हुआ होने देंगे और ना ही कुछ। ऐसे में अगर ये मंशा और इस तरीके की कोई चीज़ों को लेकर के कोई आता है तो फिर हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, उन पर विरोध होगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पप्पू यादव ने कहा कि गोपालगंज और मोकामा में दुनिया भर के सभी बवाली पहुंचे हुए हैं। ऐसे में गुंडों और बवालियों की बात कहते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज बवालियों की संख्या और गुंडों की संख्या जो है वो AK-47 की लड़ाई मोकामा में हो गई है। मोकामा में AK-47 की लड़ाई जो है वो देखी जा रही है, और अगर मोकामा में सब कुछ ठीक रहा तो जो है वो किसी जी हाँ बड़े बाहुबल का ही जीत होगा। पप्पू यादव ने कहा कि बालू माफिया, दारू माफिया, ये माफिया ही लोग तो हैं जो चुनाव लड़ते हैं। अगर आप सादा सिंपल और श्वेत पक्त आदमी को चुनाव में लाते हैं तो उसकी जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप श्वेत नहीं हैं, अगर आप किसी चीज़ों में भीगे हुए हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है, क्योंकि बाहुबल का ताकत चुनाव में देखा जाता है। इस बात को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी तेलंगाना के बाद अब वह गुजरात पर जाएंगे, गुजरात का दौरा करेंगे। गुजरात में आदिवासी परिवार और आदिवासी जो वोट बैंक है उस पर राहुल गांधी का मुख्य तौर पर नज़र है। राहुल गांधी ने मुख्य तौर पर उस पर अपनी निगाहों को बनाए बैठे हैं। राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि कैसे जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ गुजरात को करके एक नया इतिहास को रचा जा सके, और इसी इतिहास को रचने के लिए गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए राहुल गांधी ने नए नए और विस्तारीकरण से नए प्लान जो है वो काफी सारे तैयार किए हैं। राहुल गांधी के इस प्लान के तैयार किए जाने का मुख्य मकसद चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इससे राहुल गांधी जो है वो लोगों के बीच में लोकप्रिय जरूर हो रहे हैं। राहुल गांधी को इससे ताकत, इससे शक्ति प्राप्त जो है वो जरूर हो रही है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान ने अभी तक अपना स्टैंड साफ नहीं किया है कि वो मोकामा जाएंगे, वो उपचुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे, लेकिन बार बार एक बात सामने आ रही है कि 31 तारीख और 1 तारीख का वो वक्त होगा जब जी हाँ चिराग पासवान जनता के बीच पहुंचेंगे, और ऐसे में मोकामा की जनता से वो अपील करेंगे कि मोकामा की जनता उन्हें वोट करे, उन्हें अपना मत दे, भारतीय जनता पार्टी को मत दे। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बारे में चिराग पासवान कहते नज़र आ रहे हैं। अमित शाह ऐसा सूत्र बताते हैं, राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि अमित शाह जो है वो चिराग पासवान को कॉल किए हैं, कॉल करके बोले हुए हैं कि वो फिलहाल मोकामा जाएं और मोकामा में जाकर के चुनाव प्रचार प्रसार करें, लेकिन इस बात की पुष्टि ITT नहीं करता कि ऐसा कुछ है, लेकिन ITT न्यूज़ जो है इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, यह आपको बता दें कि वो उपचुनाव में प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पेट में लगे इंजरी और चोट के कारण वह अभी बेड रेस्ट हैं, वह कहीं जा आ नहीं सकते। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य विभाग के लोग जो है, इसके साथ साथ जो अलग अलग विभागों के लोग हैं, वो मोकामा और जगह जगह पहुंच रहे हैं, लोगों के बारे में बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करें। तो ऐसे में जो है नीतीश कुमार अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देने में लगे हुए हैं, वो गोपालगंज हो या मोकामा हो, लेकिन वह उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने कहीं भी नहीं जा रहे हैं।
बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। बैंकों के तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार आपको अच्छा खासा मुनाफा इस बार फिक्स डिपॉजिट में देने की प्लानिंग तैयार कर ली गई है। इसके साथ साथ बैंकों ने अपने कि छठ पूजा के दिन तक बंद रहने का निर्णय है। सोमवार को बैंक फिर से खुलेगी, शनिवार को भी बैंकों का ओपन रहने की खबरें थी, संडे को बैंक बंद रहेंगे यानी 30 तारीख को बैंक जो है वो बंद रहेंगे, 31 तारीख को बैंकों का फिर से जी हाँ खुलने का खबर आएगा यानी खुलेंगे बैंक। तो अगर आपको कोई भी काम कराने जाना है तो सोमवार को जा सकते हैं, ऑथेंटिक जो है और आप जाने के लिए जी हाँ उम्मीद रखते हैं। आज के इतना ही, बनेगा आप हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।